ये थे हमारे जिले इलाही भाई आलोक शर्मा जी। मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली भाई इस हास्य व्यंग के बड़े कवि भाई आलोक शर्मा जी के लिए। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने हंसाया गुदगुदाया। पत्रकारों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। भाई अध्यक्ष मुरली नायर कहाँ हैं? हाँ भाई, पत्रकारों को इसलिए प्रणाम करना जरूरी है कि कल कवि सम्मेलन कैसा था इन्हीं के ऊपर निर्भर है। हाँ, अगर इनकी चमचाई नहीं करोगे तो लिखेंगे बहुत ही बेकार रहा कवि सम्मेलन। एक घटना मेरे को याद आती है, किसी ने मुझे बताया है कि एक बार सूर्य नारायण में एक सुमो पहलवान आ गए बहुत लंबा चौड़ा, और पूरा नगर ले चैलेंज कर दिस कि जिसके में हिम्मत है मेरे से लड़के बताए। कोई तैयार नहीं होते रहे, तब हमार मुरली नायर तैयार हुई, कहीं मैं लड़ूंगा। कहीं सब समझे सर मत लड़ो, बहुत बड़ा पहलवान है, पटक देगा। कहीं नहीं, नगर की इज्जत का सवाल है, मैं लड़ूंगा। कहीं दूसरे दिन कुश्ती का आयोजन हुई, 2 मिनट के अंदर सुमो पहलवान मुरली नायर ले पटक दी। मुरली नायर चित्त अस्पताल में भर्ती हो गए। दूसरे दिन पेपर में खबर छपी कि सूर्य नारायण के पत्रकार मुरली नायर ने पत्रकार पहलवान को चित्त कर दिया। पहलवान पेपर पढ़ के दंग, कहीं से यार ये क्या है, दौड़ा अस्पताल की, कहीं से यार नायर जी बहुत गलत बात है, मतलब पेपर में उल्टा खबर छपा है। तब मुरली नायर कही कि पहलवान बेटा, कल तूने जहां मुझे चित्त किया था वो तेरा अखाड़ा था, आज मैंने जहां चित्त किया वो मेरा अखाड़ा है। ये पत्रकारों की ताकत होती है। कवि सम्मेलन में कभी कभी अजीब स्थिति हो जाती है। वो बिहार कवि सम्मेलन में एक ठो कवि गए रहे, सामने एक ठो महिला बैठे रहे, वो बिल्कुल नहीं हंसत रहे, टेंशन में कवि लग घूर घूर के देखत रही। तो कवि पूछी, सब हंस रहे, बहन जी आप क्यों नहीं हंस रही है? कहीं हंसना तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी शकल मेरे ससुर से मिलती है, कहा थे। वो एक ठो सुंदर महिला बैठे रहे, वो बिल्कुल नहीं हंसत रहे, कहीं बहन जी आप क्यों नहीं हंस रही है? कहीं हंसना मैं चाहती हूँ, लेकिन ब्यूटी पार्लर वाले ने कहा है आधा इंच से ज्यादा मत हंसना वरना फाउंडेशन फट जाएगा, कहा थे। ये अपन अपन तरीका की समस्या हो जाते हैं। मोबाइल के जमाना है, वातावरण मोबाइल से प्रभावित है। एक रचना में पहली के टेलीफोन लैंडलाइन वाला और पहली के पत्नी, आज के पत्नी आज के मोबाइल के ऊपर। मैं चाहते एक बार आप ताली बजाइए पत्नी मोबाइल की तुलना। पत्नी का है लाइफ टाइम रिचार्ज मुसीबत है। हाँ जे शादीशुदा है, कहते पत्नी का है लाइफ टाइम रिचार्ज मुसीबत है। जब मोबाइल है टूटी तभी कल पीछा छूटी। पति मोबाइल पत्नी सिम कार्ड दोनों के बिहाव मतलब फुल रिचार्ज। लड़का हो गए तो इनकमिंग, लड़की हो गए तो आउट गोइंग, ज्यादा लड़का हो गए तो अनलिमिटेड रिम टू रिम, जुड़वा हो गए तो डबल सिम, कुछ नहीं हो तो नेटवर्क प्रॉब्लम, ज्यादा के बैलेंस और टॉक टाइम कम, बिहाव करो कि नहीं बात ले लेके कई जन मन में दुविधा है। आजकल के लड़का मन डरा थे, बिहाव करो कि नहीं बात ले लेके कई जन मन में दुविधा है। सही मॉडल मिल गया तो ठीक, नहीं तो पोलबिटिक कहाँ सुविधा है। पहली के फोन और पत्नी, आज के पत्नी मोबाइल, दोनों में अंतर आ गए। पहली के पत्नी माने लैंडलाइन फोन, घर के कोंटा में बैठे रहे चुपचाप मौन, जब काल आए तभी बाजे, लड़का बूढ़ा सबके सेवा करे सब लसाजे। लेकिन आज की पत्नी पर्सनल हैंडसेट, मेकअप मैनी टाइम अप टू डेट, दिखे में सुंदर रंग बिरंगी स्टाइल, लेकिन गारंटी में चाइना मोबाइल। दिखे में सुंदर रंग बिरंगी स्टाइल, लेकिन गारंटी में चाइना मोबाइल, 40 से 40 नहीं तो पैसा बुड़ गए, आधा घंटा काम को इतना सॉफ्टवेयर उड़ गए। फिर खा पी के मोहल्ला में गप मारे मस्त, और जब बुलावे कथे इस रूट की सभी लाइनें हैं व्यस्त, इस रूट की सभी लाइनें। चलिए मैं रस परिवर्तन करना चाहता हूँ। भाई राकेश शर्मा जी हमारे बचपन के दोस्त, बिल्कुल ओकर कलर हम मोर से मैच करते। कलर के मामले में मोर साढ़ू है, वो साढ़ू मतलब संतोष भाई समझते हैं, साढ़ू मतलब एक ही कंपनी से ठगे गए दो ग्राहक। भाई चित्रकांत तिवारी जी भी मौजूद है। एक जमाना रही जब एक संजय दत्त बाल रही, शादी के बाद उड़ गए। मैं सविता दीदी प्रणाम करा था, वो कवि सम्मेलन में कहे जाते हैं कि पुरुष के सिर पे दो महिलाएं हाथ फेरती है, एक पत्नी दूसरी माता। जब माता हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं, और जब पत्नी फेरती है तो यहाँ तमाम लोग जैसे हो जाते हैं। और भाई हमारे महाराज जी को देख के तो ऐसे लगता है जैसे पूरे मोहल्ले की महिलाओं ने हाथ फेर दिया है। चलिए मैं मंच पे एकमात्र कवि उपस्थित है अभी, हीरामणि वैष्णव वैश्य कहते रहे इसकी स्त्री पुरुष में बहुत विभेद किया जाता है, वास्तव में भेद किया जाता है। वो काय कोरोना के टाइम रही, एक दिन में इमोशनल होकर अपन घर वाली से कहें,
मैं कहे कि बाई चांस अगर कोरोना के समय मैं निपट गए हैं तो ते कैसे रहे, कहते का कर जी आपके बहनी मन के साथ रह जहाँ कहा थे। अब यही प्रश्न वो मोर से पूछी, अगर मैं निपट जहाँ तो आप कैसे करिया, मैं कहे सेम टू यू कहे तोर बहनी मन के साथ मैं रह जहाँ कहा थे। ये स्थिति हो जाते, मैं चार पंक्तियों के साथ प्यार मोहब्बत की बात करने के लिए कटनी से हमारी बीच आई कवित्री प्रियंका मिश्रा को आमंत्रित करना चाहता हूं कि गजलों की शोक हसीना से मुलाकात होने वाली है। थोड़े वाह वाह करिए, गजलों की शोक हसीना से मुलाकात होने वाली है, आप जो सुनना चाहते हैं वो बात होने वाली है। ऐ शिवरी नारायण वालों, तान लो अफा की छत्रियां, अब मोहब्बत की बरसात होने वाली है। प्रियंका मिश्रा,